हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है क्लच एंड उसके क्लासिफिकेशन। यह फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है यह दो सब्जेक्टों में मशीन डिजाइन या जिसे हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट बोलते हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में दोनों ही सब्जेक्टों में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी का अगर क्वेश्चन आता है तो कि क्लच क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, या फिर क्वेश्चन उसके क्लासिफिकेशन का भी कई बार आता है, लेकिन इसकी थ्योरी जो आंसर रहता है और जो क्वेश्चन रहता है वो सेम रहता है दोनों ही सब्जेक्टों में। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छी तरह देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं, वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें डायरेक्ट जाने के लिए आप मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली से टच कर दें तो ऊपर राइट कॉर्नर में एक आई बना हुआ दिखने लगेगा, उस पर फिर से टच कर दें उंगली से तो डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। वहां पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर क्लिक कर दें तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे, तो वहां से आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं जो मैं अभी तक डाल चुका हूं। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं आप। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो जैसा कि टॉपिक लिखा है क्लच एंड इट्स क्लासिफिकेशन, तो पहले हम समझ लेते हैं क्लच क्या होता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई टू व्हीलर गाड़ी हो या फोर व्हीलर गाड़ी हो या फिर कोई हैवी व्हीकल्स हो, उसमें हम जब गियर को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लच को दबाते हैं उसके पेडल को, इसके बाद हम गियर चेंज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे हमारी गाड़ी में झटके न लगे हम लोगों को, इसके अलावा जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है उसमें कोई टूट फूट ना हो, इसके अलावा फ्रेंड्स हम जब गाड़ी की स्पीड जो रहती है उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं क्लच का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये सब मैं आगे बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखते रहें आप अच्छे से। अब मैं चलूंगा सीधा इसकी डेफिनेशन पर कि क्लच को डिफाइन कैसे करेंगे। क्लच का जो फंक्शन है उसके आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है कि क्लच क्या एक डिवाइस है, मतलब एक मशीन का पार्ट्स है जिसका यूज हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है और इंजन रहता है इसके बीच में इंगेज और डिसइंगेज का काम करता है। क्या करता है, इंगेज और डिसइंगेज का काम करता है। अब फ्रेंड्स इंगेज और डिसइंगेज क्या होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है और इंजन क्या होता है, इस सभी अपन समझने वाले हैं डायग्राम के थ्रू। तो जो डायग्राम सामने दिख रहा है आपको ये दोनों बने हुए हैं, इनको मैं समझाता हूं, उसके बाद हम इंगेज और डिसइंगेज भी समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि सबसे पहले क्या लगा हुआ है, इंजन। इंजन हम जानते हैं इंजन के अंदर क्या होता है, एक पिस्टन रहती है जो कि सिलेंडर के अंदर मूव होती है, उसके साथ कनेक्टिंग रॉड रहती है, कनेक्ट रहती है, उसके साथ एक क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट रहती है। क्रैंकशाफ्ट जब मूव होती है तो कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, जो हमारी पिस्टन से कनेक्ट रहती है, पिस्टन भी मूव होता है सिलेंडर के अंदर, उससे क्या रहता है इंजन के अंदर पावर डेवलप होती है। वह जो पावर डेवलप रहती है वह किस में जाती है, फ्लाई व्हील के अंदर आती है, किसके अंदर, फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। उसके साथ क्या रहता है, क्लच कनेक्ट रहता है, उसके साथ गेयरबॉक्स रहता है, फिर ये प्रोपेलर शाफ्ट रहती है, उसके साथ जो हमारी रियर एक्सल रहती है या फिर कहते हैं शाफ्ट रहती है, उसके साथ दो पहिए लगे रहते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो हमारा क्लच है, गियरबॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, यूनिवर्सल जॉइंट है, रियर शाफ्ट दिख रही है आपको, इसके अलावा डिफरेंशियल है, ये सब किस में आते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन सिस्टम में। और जो हमारी पावर डेवलप होती है इसके अंदर या जो पावर ट्रांसफर होती है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन पावर। तो फ्रेंड्स समझ में आएगा, एक बार और समझाता हूं मैं। क्लच हो गया, गियरबॉक्स हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गई, यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, डिफरेंशियल हो गया, और जो हमारी रियर शाफ्ट है उसके साथ जो पहिए लगे जाते हैं, ये सारा सिस्टम कैसा है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन सिस्टम। जो यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसमिशन सिस्टम, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। और इधर का पार्ट रहता क्या रहता है, इंजन रहता है। तो इंजन और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके बीच में क्या क्लच प्लेट काम करती है, इंगेज का और डिसइंगेज का। तो फ्रेंड्स इंगेज डिसइंगेज ये मैं समझाऊंगा, इससे पहले थोड़ा सा मैं समझ लूं फ्लाई व्हील किस तरह की होती है। फ्लाई व्हील दिख रही है, इसका जो पार्ट देखो फ्लाई व्हील इस तरह का कुछ होता है, इसके साथ यहाँ फ्रिक्शन प्लेट कनेक्ट रहती है। क्या रहती है, फ्रिक्शन प्लेट। फ्रिक्शन प्लेट दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइनिंग रहती है जो कि इसके बीच में और इसके बीच में कॉन्टेक्ट रहती है, जो प्रेशर प्लेट के और इसके बीच में। इसके साथ यहाँ पर जो दिख रहा है कवर दिख रहा है, कवर के साथ और जो हमारा प्रेशर प्लेट, यहाँ पर जो स्प्रिंगे लगी रहती है जो कि जब हम पेडल दबाते हैं तो रिलीजिंग का, पेडल को छोड़ते हैं तो रिलीजिंग स्प्रिंग बोलते हैं इसको, मतलब आगे पीछे हटाने का काम करते हैं।
अब इन सबको कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारी क्लच, जो क्लच दिख रही इस तरह का क्लच बनता है, मैं दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स सारे पार्टों को जोड़ दिया जाता है, जो यहां पर दिख रही ये वाली व्हाइट व्हाइट कलर की, इस तरह कंप्लीट एक क्लच बन जाता है। वो कहां लगता है? यहां पर लगता है। तो फ्रेंड समझ में आएगा क्लच का फंक्शन क्या होगा, इंगेज और डिसंगेज करना, मतलब जो हमारी इंजन है और ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके बीच में क्या रहता है, इंगेज और डिसंगेज का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंजन से जो ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर पहुंचती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन पावर बोलते हैं। अब हम इंगेज और डिसंगेज को क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स पहली पोजिशन बता रहा हूं मैं इंगेज की, कौन सी, इंगेज की। इंगेज मतलब होता है जो फ्लाईव्हील है और क्लच है इसके बीच में कॉन्टेक्ट में रहते हैं। कैसे, मतलब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहते हैं। उस कॉन्टेक्ट में होने से क्या होता है, जो इंजन के अंदर पावर डेवलप होती है वह फ्लाईव्हील के होते हुए क्लच में जाती है। क्लच क्या करता है, जो पावर ट्रांसमिट करता है गेयरबॉक्स में, गेयरबॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट और जो हमारी रियर शाफ्ट होती है उसके थ्रू पहियों में पहुंचती है। वहां से क्या होती है, हमारी गाड़ी चलने लगती है और स्मूथ तरीके से मूव होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, इंगेज सिस्टम। इंगेज सिस्टम याद रखें, इंगेज जब क्लच इंगेज रहती तभी हमारी गाड़ी मूव होती है, जब हमारी गाड़ी चलती है मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार याद रखें कि जब इंगेज होगा क्लच, क्लच मतलब फ्लाईव्हील के साथ अटैच होगा, जिसे बोलते हैं चिपकना, तो मतलब इसके साथ चिपक जाता है तो तब क्या होता है, ये भी मूव होता है, जो जो हमारी क्लच प्लेट है या क्लच है वो भी फ्लाईव्हील के साथ क्या मूव होने लगता है। तो हमारी जो मीन्स होता है, जो हमारी जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है वह भी मूव होता है, उसके साथ जो हमारी यहाँ पर रियर एक्सल होती है वो भी मूव होती है, उसके साथ हमारी क्या होती है, पहिए मूव होने लगते, मतलब गाड़ी चलने लगती। तो बस हमें इतना याद रखना कि जब हमारा क्लच इंगेज रहता है जब हमारी गाड़ी मूव होती है। अब हम डिसंगेज की बात करते हैं। तो डिसंगेज फ्रेंड्स मतलब होता है, डिसंगेज कब होता है, जब हम पेडल को दबाते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम पेडल को दबाते हैं तो हमारा फ्लाईव्हील से और क्लच का कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, मतलब डिसंगेज हो जाता है। तो इस चीज को याद रखें, जब पेडल नॉर्मल रहता तब हमारा क्लच इंगेज पोजीशन में रहता है, जैसे हम पेडल को दबाते तो यहाँ पर ही डिसंगेज हो जाता है। डिसंगेज मतलब इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंजन फ्री मूव होता है, मतलब इंजन चलता रहता है कि अपनी जो भी पावर डेवलप रहता है वो करता रहता है, लेकिन वह पावर कहाँ, इस गियर बॉक्स में होते हुए व्हील तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारा इंजन क्या हो जाता है, या जो हमारी गाड़ी होती है वो चलती नहीं है। इंजन चल रहा है लेकिन हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि क्लच कैसा है, डिसंगेज पोजीशन में है, हमने पेडल को दबा रखा है। तो याद रखें पेडल दबाएंगे तो हमारा क्लच किस कैसा रहता है, डिसंगेज पोजीशन में। तो मतलब समझ गया होंगे कि यहाँ पर इंजन तो रन कर रहा है, मतलब जो हमारी स्टंट के थ्रू सिलेंडर के अंदर पावर डेवलप हो रही फ्लाईव्हील में आ रही, लेकिन फ्लाईव्हील के थ्रू कहाँ, क्लच में नहीं पहुंच पा रही, क्यों, क्योंकि हमने पेडल दबा रखा है और क्लच कैसा है, डिसंगेज पोजीशन में। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा डिसंगेज पोजीशन क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम पेडल को रिलीज करते हैं, मतलब पेडल को रिलीज करते हैं उससे पैर हटाते हैं, तो हमारा इंगेज पोजीशन में आ जाता है और हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लच का इंगेज और डिसंगेज फंक्शन भी समझ में आया होगा। डिसंगेज क्यों करते हैं, जिससे हम इसमें जब पावर डेवलप मतलब नहीं जाएगी तो हम यहाँ से गियर बॉक्स से गियर को आसानी से चेंज कर सके। तो फ्रेंड दोनों ही बार जो इंगेज डिसंगेज जो इसकी डेफिनेशन में आते हैं वो भी समझा दिए मैंने, इंजन क्या होता है, कैसे पावर डेवलप होती है वो भी समझा दी, और मैंने जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वह भी समझा दिया। अब हम इसके टाइप्स पे चलेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स कई बार टाइप्स भी आ जाते हैं, तो टाइप्स हम जिस तरह लिखे उस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके अगर किसी सिंगल प्लेट या मल्टीप्लेट मतलब सिंगल और मल्टीप्लेट क्लच है उसको कई बार एक्सप्लेन करने के लिए आता, तो उनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो वहां से आप देख लें। तो जैसा कि जो क्लच होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप है वो है फ्रिक्शन क्लच। और फ्रिक्शन क्लच भी दो भागों में डिवाइड किया था, फर्स्ट होता सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच। अब जो मल्टीप्लेट क्लच होते हैं यहाँ दो टाइप्स के होते हैं, बेट और ड्राई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अब जो फ्रिक्शन क्लच होते हैं वह थर्ड टाइप का होता है कॉन क्लच। कॉन क्लच भी दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल क्लच और इंटरनल क्लच। इसी तरह जो सेकेंड टाइप होता है वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच, थर्ड टाइप होता सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, और जो फोर्थ टाइप होता कॉनिकल स्प्रिंग क्लच। ठीक है फ्रेंड्स, अब कॉनिकल स्प्रिंग जो क्लच है वह दो टाइप्स के होते हैं, टेपर्ड फिंगर टाइप और क्राउन स्प्रिंग टाइप। इसके अलावा जो फिफ्थ टाइप का होता है वो पॉजिटिव क्लच होता है, उसको मैं समझाता हूँ। तो फिफ्थ टाइप क्या फ्रेंड्स, पॉजिटिव क्लच। यह भी दो टाइप का होता है, डॉग एंड स्प्लाइन क्लच। इसके बाद सिक्स नंबर हाइड्रोलिक क्लच होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता है, वैक्यूम क्लच होता है, ओवर रनिंग क्लच और फ्री व्हील यूनिट। तो ये डिफरेंट टाइप के क्लच होते हैं फ्रेंड्स, इनको सिर्फ हमें लिखना है अगर क्वेश्चन में आता है क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर वो पूछता है डिफाइन करिए
और क्लासिफिकेशन का जी, और कोई एक क्लच को समझाइए। तो हम दो क्लच की इसमें आगे की वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच को समझाऊंगा, तो उनमें से किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।